आज हम तारीख के मज़मून के बारे में कुछ बयान करेंगे। तारीख एक दिलचस्प मज़मून है, इसे आम तौर से सभी बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं, लेकिन शायद बहुत से लोगों को इस बात का इल्म नहीं कि तारीख क्या है, इसकी बुनियादें क्या हैं। अगर किसी से सवाल किया जाए तो इसका जवाब यह है कि तारीख माजी के वाक़यात का एक मजमूआ है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल पैदा होता है कि तारीख में या माजी के अंदर तो बहुत से वाक़यात हुए हैं, लेकिन तारीख हर वाक़े को तो नहीं लिखती है। इसलिए दूसरा इसका जवाब यह है कि उन वाक़यात को लिखा जाता है जो मौरख़ को पसंद होते हैं या जिनके बारे में मौरख का यह ख्याल है कि ये वाक़यात जो हैं किसी हादसे का या किसी तब्दीली का बाइस होते हैं। इसलिए ये वाक़यात का इंतखाब किया जाता है, माजी में जो कुछ हुआ है वो सब कुछ तारीख के अंदर नहीं होता है। अब दूसरी बात यह है कि ये वाक़यात जो तारीख में बयान किए जाते हैं इसमें मौरख की पसंद नापसंद, उसका तासुब, मतलब ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। और दूसरा ये है कि वाक़यात खुद से तो नहीं बोलते हैं, एक वाक़या है जो हो चुका है, उस वाक़े को ज़बान देने वाला जो है वो मौरख होता है, वो वाक़े की ज़बानी ये बताता है कि यह वाक़या क्यों हुआ। इसलिए इन वाक़यात को बयान करने के लिए मौरख फिर इंटरप्रटेशन या वाक़यात की तफसीर या वाक़यात की तफसीर मतलब कि उसको बयान करते हैं, और उसके लिए फिर ज़रूरी होता है कि तारीख़ की मुख्तलिफ नज़रियात हैं या मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, उनके तहत तारीख को लिखा जाए। जैसे कौम परस्ती है, तारीख कौम परस्ती के जज्बे के तहत लिखी जाती है जिसमें कौमी हीरोज होते हैं, कौमी तारीख होती है। फिर तारीख जो है वो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखी जाती है जिसमें तबकाती तकसीम है, जिसमें तबकात की आपस में कश्मकश और तसादुम है, उसके ज़रिए भी तारीख को बयान किया जाता है। फिर इम्पीरियलिज्म के नुक़्ते नज़र से भी तारीख को लिखा जाता है, कलोनियलिज्म के नुक़्ते नज़र से भी लिखा जाता है। और अब आजकल दो अहम मौजूआत हैं जिनके ज़रिए तारीख के बयान किया जाता है, उनमें से एक औरतों का नुक़्ता नज़र है, क्योंकि औरतें ये कहती हैं कि हमें तारीख से बिल्कुल गायब कर दिया गया है, लिहाजा अब तारीख को फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए भी लिखा जा रहा है। दूसरा अहम पॉइंट जो है वो आबो हवा की तब्दीली है, कि आबो हवा की तब्दीली से भी तारीख नवीसी मुतासर होती है, उसको भी बयान किया जाता है कि शहर कैसे बर्बाद हुए या तहजीब में क्यों सवाल पसीर हुई, उसमें आबो हवा को क्या दखल है। और तीसरा जो बहुत अहम मौजू अब आजकल है वो ये है कि लोग मौरख अवामी तारीख को लिख रहे हैं, कि जिनको तारीख से अब तो बिल्कुल निकाल दिया गया था और उनका कोई जिक्र ही नहीं करता था। मसलन ग़ुलामों का जो तारीख के अंदर किरदार है उसको अब सामने लाया जा रहा है। जैसा खुद अरस्तू ने ये कहा था कि अगर ग़ुलाम नहीं होते तो यूनान के लोग ये फ़लसफ़ा पैदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ग़ुलामों ने मतलब मेहनत मजदूरी करते हैं, घरेलू काम करते हैं और हमें फुर्सत के मौके देते हैं जिसमें हम फ़लसफ़ा बयान करते हैं, शायरी भी करते हैं, आर्ट भी करते हैं। यही सूरत हाल जो है किसानों की है, कि अगर किसानों का जिक्र न किया जाए तो यह है कि किसान जो पैदावार करते हैं और अपनी पैदावार से जो लोगों को खिलाते हैं, गज़ा फराहम करते हैं, वो कौन करेगा, उनका जिक्र भी नहीं किया जाता। इसी तरीके से कारीगरों का, हुनरमंदों का, दस्तकारों का जिक्र जो है वो भी नहीं होता है। तारीख इनके बगैर भी मुकम्मल नहीं होती है, क्योंकि यही लोग हैं जो घर तामीर करते हैं, महलात तामीर करते हैं, नक्श नगार बताते हैं, टेक्नोलॉजी को सामने लेकर आते हैं। तो अब अवामी तारीख के ज़रिए भी मतलब कि मौरख तारीख को एक नया रुख दे रहे हैं,
जिसकी वजह से तारीख एक बिल्कुल नए सिरे से, एक नए जाविये से मतलब कि तारीख को देखा जा रहा है। वो तारीख एक तरह से वसी से वसी तर हो रही है। फिर अब ये भी है कि जिस वक्त जो दूसरे मजामीन आए हैं, जैसे सोशलोजी है, नफ्सियात है, फ़लसफ़ा है, अदब है, तारीख इनसे भी फ़ायदा उठा रही है कि इन मजामीन के अंदर जो जिस तरह से इंसानी फितरत को देखा गया है, तारीख उनके ज़रिए से इंसानी फितरत को समझने की कोशिश भी कर रही है। चुनाचे फ्रांस का एक स्कूल है मौरखों का, जो अदेंस स्कूल कहलाता है, ये लोग जो हैं तारीख के इंसानी जज्बात की तारीख भी लिख रहे हैं, यानी गुस्से की तारीख, आंसुओं की तारीख, खुशबू की तारीख। तो एक तरह से वो मौजूद सामने आ रहे हैं जो इससे पहले तारीख का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब तारीख के अंदर ये चीज़ें भी मतलब कि आ रही हैं जिसने तारीख को मज़ीद जो है वो वसत दी है। तो तारीख के माखज़ जो हैं उनमें जो एक और अहम माखज़ जिसने तारीख को आगे बढ़ाने में मदद दी है वो आसार कदीमा हैं। आसार कदीमा ने जो पुरानी तहजीबों के आसार निकाले हैं और उनके जो औजार हथियार निकाले हैं जो लोग इस्तेमाल करते थे, उससे उनकी समाजी ज़िंदगी का पता चलता है। तो आसार कदीमा की दरियातों में नई नई पुरानी तहजीबों को निकाल कर तारीख को बहुत ज़्यादा इंदिज किया है, तारीख को बहुत ज़्यादा वसत दी है, तारीख को बहुत ज़्यादा फैलाया है। इसलिए तारीख का मजमून अब महज मतलब के बादशाहों या उमरा की तारीख नहीं है, बल्कि ये अवाम की तारीख है, इंसानी जज्बात की तारीख है, ये साइंस की तारीख है, ये टेक्नोलॉजी की तारीख है। फिर हमारे यहाँ तारीख को कई हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया गया है। मसलन एक तो बादशाहों की तारीख है और उमरा की तारीख है, लेकिन उसके बाद एक और दूसरी तारीख भी है जिसको हम कहते हैं सूफिया की तारीख। सूफिया अपनी तारीख को अलहदा से लिखते हैं और ये बताते हैं कि दरअसल उनका सारा इंतज़ाम जो है वो सूफिया और उनके खुलफा जो हैं वो चलाते हैं। तो एक उनकी अलग से मतलब के तारीख है जो लिखी जा रही है। तीसरी तारीख जो उलमा की तारीख है, उलमा का ये कहना है कि तारीख में हमारा किरदार सबसे ज़्यादा अहम है, हमने तारीख के अंदर लोगों को लोगों के मजहबी जज्बात को मतलब कि तस्कीन दी है और उनको मजहब से लगाव उनका लगाया है, लिहाजा मजहबी उलमा भी अपनी तारीख जो है वो लिख रहे हैं। तो इसलिए तारीख का मजमून अब महदूद नहीं रहा है बल्कि बहुत ज़्यादा वसी हो गया है। लेकिन अब तक हमारे तालीमी इदारों के अंदर बदकस्मती से तारीख को पुराने ही अंदाज में या रिवायती अंदाज में पढ़ाया जाता है, जब तक तारीख को इन तमाम पहलुओं और जावियों के साथ नहीं देखा जाएगा, हम तारीख की तारीख फहमी को और तारीख से आगही से पूरी तरह से वाकिफ नहीं हो सकेंगे।